Hi, today I am making coconut chicken curry. Please subscribe to my channel. मैंने लिया 1 kg चिकन करी कट, इसको कर लेंगे मैरिनेट। 1 teaspoon जीरा पाउडर, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon कश्मीरी चिली पाउडर, 1 teaspoon टर्मरिक पाउडर, 1 teaspoon सॉल्ट, इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये हो चुका है, इसको कवर करके 30 minutes के लिए रेस्ट देना है। लेंगे कढ़ाई, ऐड करेंगे 10 से 12 टेबल स्पून ऑयल। वंस द ऑयल इज हॉट, हमें ऐड कर लेना हमारे चिकन पीसेस। फ्लेम को कर लेंगे हाई, कर लेंगे स्टर, और करीबन हमें इसको 10 से 12 मिनट तक पकाना है ऑन हाई फ्लेम। ये लगभग हो चुका है, फ्लेम को कर लेंगे बंद। ट्रांसफर कर लेंगे हमारा चिकन पीसेस। प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। कढ़ाई में हमें ऐड करना है 10 से 12 टेबलस्पून ऑयल। वंस द ऑयल इज हॉट, हम ऐड करेंगे इसमें 1/2 teaspoon क्यूमिन सीड्स, 3 पीस तेज पत्ता, 2 पीस इलायची, 2 सिनेमन स्टिक्स, 3 से 4 पीस लौंग, 4 से 5 पीस काली मिर्च, 4 पीस ड्राई रेड चिली। ऐड करेंगे थोड़ा सा करी पत्ता, बी केयरफुल व्हेन यू ऐड करी पत्ता। ऐड करेंगे 1 कटोरी स्लाइस्ड ऑनियन। हमें कुक करते रहना है ऑनियन जब तक इसमें लाइट गोल्डन ब्राउन कलर ना आए। ऐड करेंगे 1 teaspoon सॉल्ट, इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और ये हो चुका है, अभी हम लोग ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। फ्लेम को कर लेंगे लो और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। 2 मिनट के लिए पका लेंगे इसको। ऐड करेंगे पाउडर स्पाइसेस, 1 teaspoon क्यूमिन पाउडर, 1 teaspoon कोरिएंडर पाउडर, 1 teaspoon चिली पाउडर, 1 teaspoon टर्मरिक पाउडर। इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। इसको हमें 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेना है। जब ये ऑयल रिलीज कर देगा, हमें ऐड करना है 1 कटोरी चॉप टोमेटोज। फ्लेम को कर देंगे हाई और इसको पका लेंगे। कुक करना है जब तक टोमेटोज सॉफ्ट ना हो जाए। और ये हो चुका है, फ्लेम को कर लेंगे मीडियम। अभी ऐड करेंगे हमारा चिकन पीसेस। कर लेना है इसको मिक्स अच्छे से। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो। अभी हम ऐड करना है 1 teaspoon सॉल्ट। नेवर ऐड सॉल्ट एट वंस, मिक्स इट वेल। फ्लेम को कर देंगे लो, कवर करके कुक कर लेंगे 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट बाद रिमूव कर देंगे लीड। कर लेना है हमें स्टर। अभी ऐड करना है हमें 1 कटोरी कोकोनट मिल्क। कुक कर लेना है हमें इसको 2 मिनट के लिए। मिक्स कर लेना हमें इसको अच्छा से। मैंने लिस्ट किया है कुछ आइटम्स डिस्क्रिप्शन में, प्लीज चेक इट आउट। फ्लेम को कर देंगे लो और इसको कवर करके कुक करेंगे करीबन 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट बाद हटा देंगे इसका लीड। कर लेंगे इसको स्टर। ऐड करना है हमें चॉप्ड कोरिएंडर। कर लेना है हमें अच्छे से इसको मिक्स। और आप देख सकते हो ग्रेवी कितना रिच एंड थिक है। ऐड करना है हमें 1/3 teaspoon शुगर। और 2 मिनट के लिए हमें कर लेना है इसको कुक। फ्लेम को कर लेंगे बंद। ये हो चुका है, आप देख सकते हो ये कितना डिलीशियस लग रहा है देखने में, और खाने में भी बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होता है ये। ये चिकन को आप सर्व कीजिए जीरा राइस के साथ या फिर रोटी का साथ। डू ट्राई दिस एट होम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।